बट क्या है ये? मैं जा रही हूँ राइड, अभी मेरे को जाने दे प्लीज प्लीज प्लीज। गिव माई जैकेट। चीट खाते क्या जैकेट के ऊपर बैठे ना? मैंने सोचा कि छोटी सी राइड करके आती, तो ये लड़का मेरे को जाने नहीं दे रहा है। एंड शैडो को भी टैंक बैग में डाल के लेके जाएंगे अपन। अभी हम दोनों आप लोगों को कुछ बताना चाहते हैं, लाइक द व्यू from my place is this. The weather has changed and it started drizzling also. See? And ऐसे मौसम में मेरे को मन करे कि मैं अपनी कशिश से मिलूं और उसको पूछूं, कशिश बेटा घूमना है कि नहीं, बारिश का मजा उठाने है कि नहीं, चलने का है कि नहीं, राइड वाइड में किधर अपने को आज। What's up guys, welcome back to the channel. So after 2 months after Narmada Parikrama, एक fresh start, high tide भी चलने जा रहा है। क्या बात है, बारिश के मौसम में पहली बार मैं और कशिश जाने के लिए। What's up, आमची मुंबई, बट खाली खाली लग रही है अपनी मुंबई। जो भी है, आई फील सो गुड। 2 महीने बाद तो मेरे को सिग्नल और ट्रैफिक भी अच्छे लग रहे हैं। बाय द वे, आज है 2 जून एंड खबर है ये कि 3rd and 4th June को मुंबई में अपने बहुत खतरनाक वाला साइक्लोन आने वाला है। तो मैंने सोचा यार उसके साइक्लोन आएगा तबाही मचाएगा, उसके पहले अपनी मुंबई कैसे दिखती है वो देख ले। बिकॉज आई स्टे लाइक वेरी क्लोज टू नारीमन पॉइंट एंड मरीन ड्राइव एंड गेटवे ऑफ इंडिया, तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। तो उसके पहले मैंने बोला चल जाते देखते, कशिश को भी दिखाते थे 2 महीने बाद के कैसे लगने वाली है मुंबई। इतने टाइम बाद में बाइक चला रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि अरे क्या नया नया बाइक चला रही हूँ करके से गिरने को होता है। मुंबई की ट्रैफिक एंड सिग्नल के भी मतलब अलग ही मज़े है, मेरे को अभी समझ में आ रहा है करके मतलब कितना सही लगता है ट्रैफिक पे रुकना, मतलब सिग्नल विग्नल लगे। मतलब अर्लियर आई यूज टू क्रीप करके आई यार क्या सिग्नल लग गया यार क्या ट्रैफिक है करके, बट अभी समझ में आ रहा है उसकी वैल्यू। इट फील्स गुड टू सी पीपल अराउंड एंड गाड़ी वाड़ी चल रही है। ये लेट्स गो टू नारिमन पॉइंट, एंड बोले स्टार्ट बोले, यहाँ से अपन लेफ्ट लेते हैं। यही वजह है जहाँ पर आई यूज टू कम विद कशिश, मतलब व्हेनेवर आई यूज टू बी वेरी हैप्पी और वेरी सैड। जब भी कोई इवेंट करना होता था या मीटअप करना होता था ना, अपना यही चड्डा होता था, यही वाला अड्डा। ज़्यादा आगे जाना भी सेफ नहीं, आई टेक अ टर्न फ्रॉम योर ओनली। मेरा मन कर रहा है अभी कि यहाँ पर आके रुकूँ, जरा साइड में आके देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इधर का सीन क्या है। There you go. तो ये वाला जो किनारा है यही पे आने वाला है, तो ये किनारे से अपने को कुछ टाइम के बाद बच के रहना पड़ेगा बिकॉज जैसे साइक्लोन हिट करता है। और वो साइड तो पूरा मलबार हिल है, मतलब पूरा स्टेचू पर मलबार हिल वाला स्टेचू मुझे अभी दिखाई दे नहीं रहा है, धुंध धुंध है। ओ हो, आई मिस सिटिंग हियर। मैंने मोबाइल कवर ओवर कुछ लिया नहीं है, खाली ऐसे ही निकल गई मस्ती। एवरीबडी दे हैव कम आउट एंड दे आर चिलिंग, बाहर घर से आएगा सेल्फी निकालेगा। हाँ ऑब्वियसली अदर देन द साइक्लोन थिंग। ओ भाई कैसा लग रहा है बताओ अपने को, कोई है क्या बात करने को? हेलो अंकल केम छो? लगा सिग्नल लगा भाई। मेरे अंकल भी वीडियो शूट कर रहे हैं मस्त। दिस इज द फर्स्ट रेन इन मुंबई, मतलब एटलीस्ट साउथ मुंबई में तो पहला बारिश है। अरे ये न्यूज रिपोर्टर वाले भी क्या बात कर रहे थे, क्या मौसम का तापमान ऐसा है और मौसम का तापमान वैसा है, मजा नहीं लाइफ। मैंने हेलमेट दिखा रहा था, मेरे को सुनाई दे रहा है पानी का आवाज। आई
एकदम एक्साइटेड लाइक अ बेबी, मतलब बच्चे को बहुत टाइम से खिलौना मांगते रहते हैं, उसको मिल जाते तो कैसे उछल उछल के घूमता है। मेरे को वैसे वाली फीलिंग आ रही कि घर से निकल के किसी ने मुझे बोल दिया जा बेटा जी ले अपनी जिंदगी और कर मजे। वो वाले साइड पानी भरा हुआ, ये वाले साइड सैंड दिखाई दे रहा है। एंड मेरा कैमरा मैंने लाया, आई एम शूटिंग विथ माई GoPro, बट जो अभी शूट हो रहा है मुझे बहुत मजा आ रही है। मुझे यहाँ से निकालना है कि ज़्यादा टाइम यहाँ पर रुकना सही भी नहीं है, और अगर मैं बीमार हूँ तो मुझे हॉस्पिटल में जाना नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल में जाना खतरों से खेलना कम नहीं है। एंड पहली बारिश में बोलती क्योंकि लोग जल्दी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, इसलिए आई थिंक आई शुड मूव फ्रॉम हियर, बट लेट्स गो एंड हिट द बाइक अगेन, हिट द रोड अगेन। पीपल अराउंड एवरीवेयर नाउ, मतलब रुके रुके लोग जा रहे हैं, अपनी कार पार्क कर रहे हैं, मतलब ये साइड पे ऊपर जा रहे हैं, फोटोज निकाल रहे हैं। ये साउथ मुंबई नारीमन पॉइंट मरीन ड्राइव, मतलब जगह ही ऐसा स्पेशली व्हेन इट्स मॉनसून टाइम। यार तो डेफिनेटली यहाँ से पेट ही नहीं भरने वाला है, मतलब तुमने मेरे को आधा घंटा तो, एक घंटा तो, एक हफ्ता तो, एक महीना तो, आई कैन सिट हियर फॉरएवर नाउ। पर अभी घर जाना पड़ेगा कि मॉम चिंता कर रही है, एंड 6 बजने को भी बस आधा घंटा बाकी है, 5:30 हो रहे, तो इट्स बेटर आई गो होम फास्ट। असं वाटतंय की आता जीवनात, माझ्या जीवनात अर्धा तासच राहिला आहे। कॉलेज को भी देख के इतनी एक्साइटमेंट हो रही है। कॉलेज से चौपाटी इतना नजदीक था, बट कभी इतना हम लोग गए नहीं। वो अपना अड्डा, पार्किंग लॉट, मतलब ये सब चीजें याद आ रही है। यहाँ पर अपना वर्ल्ड फेमस सुख सागर के पास सैंडविच वाले अंकल थे, एंड यहाँ पर लेफ्ट में CCD जहाँ पर रईस वाले जो बच्चे आते थे कोटा लेवल के, वो पर आते थे और पीते थे कॉफी, और हम पीते थे कैंटीन की कटिंग चाय। ओ हो, आज तो मजा आ गया। जब बोलते ना आज माझा मन तृप्त झाला आहे, असंच वाटतंय मला आज। करोना की आईज, करोना की मदर्स आईज, पता नहीं किधर से आ गया, कुछ नहीं तो करोना वायरस आ गया, समझ भी नहीं आता मतलब कहाँ से आ गया और आया तो भी क्यों आया, जा भी नहीं रहा है जल्दी। So I think this is the first time कि मुझे ऐसे भगाने का मन नहीं कर रहा है। I feel like cruising around, like just cruising, बिना कुछ सीनरी देख के। अगर normally जब कोई अच्छा सीन होता है, अरे बाप रे इसको क्या हो रहा है, अच्छा सीन होता है या कुछ होता है, only then I feel like cruising, but अभी मेरे को सब लगे बस आराम आराम से बाइक चलाते जाओ। Boo, what are you doing on the road? Reporters भी यहाँ पर है। गेटवे ऑफ इंडिया, लोगों का अड्डा हुआ करता था, यहाँ पर भी लोग आके बैठते थे। आज पूरा सुनसान हो गया, सन्नाटा छा गया यहाँ पर भी। एंड आई थिंक द सेफेस्ट वे टू गो आउट एंड एक्सप्लोर एंड थोड़ा बाहर निकलना इज फॉलोइंग सोशल डिस्टेंस वाला जो कंसेप्ट है उसको फॉलो करो। आई थिंक हैट्स ऑफ टू ऑल दिस पीपल हू बीन वर्किंग थ्रू आउट द लॉकडाउन रिगरसली। अपने डॉक्टर्स हैं, अपने ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, BSD वाले हैं, बस कंडक्टर, ड्राइवर, पूरा स्टाफ, डिपार्टमेंट, मेडिकल वाले, सभी लोग काम कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू देम एंड अ बिग थैंक यू एंड सैल्यूट टू देम। अपने वॉचमैन हैं, पानी वाले हैं, कचरा उठाने वाले, BMC वाले, सब लोग, शाउट आउट टू एवरीबॉडी, कूडोस टू देम। एक कमेंट में भी हो जाए उनको थैंक यू। अगर आपने यहाँ तक व्लॉग देखा है तो कमेंट में भी डाल दो सबको थैंक यू। थैंक यू ऑल द फ्रंट लाइनर्स। वंदे कमेंट की बारिश। की मोटो व्लॉग के लिए एंड व्लॉग के लिए इतना ही। आई होप यू गाइस हैव एंजॉयड। आई थिंक आफ्टर 2 months आई एम डूइंग दिस मोटो व्लॉग, इवन आई फेल्ट लाइक रियली गुड ये व्लॉग करके एंड मोटो व्लॉग करके। व्लॉग अगर वो पसंद आया, मतलब आपको पसंद अभी तक आ जाना चाहिए, बिकॉज इट्स मोटो व्लॉग एंड यू गाइस एंजॉय ऑल माय व्लॉग्स। दिस वाज अगेन अनप्लान्ड अनडिसाइडेड। ऐसे ही मैंने देखा बारिश हो रही है तो अपने कशिश को पूछा यार तेरे को चलने का कि नहीं, यार वो कशिश ने बोला हाँ चलने का, तो मैं बोला चल अपन निकल पड़ते हैं। ऐसा मौका कौन छोड़ता है। पसंद है तो प्लीज लाइक करो, कमेंट डाउन बिलो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। वी हैव क्रॉस 420,000, मतलब
हाफ अ मिलियन से आपसे ज्यादा दूर नहीं है, इसे जाओ जाके सब्सक्राइब करो। कीप काम एंड गिव टक एंड मोर पार्ट एंड मॉनसून टाइम है, पेड़ के नीचे खड़े मत रहना बिकॉज यू नेवर नो कब एक झाड़ आपके सर पे गिर जाए। मैं इसे जैसा हुआ इसलिए मैं आपको बता दूँ। बाय।